बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। पटेल कोचिंग में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर क्लास 10 सेशन 2020-21 को सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुँच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है बच्चों कि ब्लैंक टैग यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, और इसके पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन का पूरा जो सैंपल पेपर का सलूशन है, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो ये है कि द एच आर टैग इन एच टी एम एल स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल आर अ थेमेटिक ब्रेक इन एन एच टी एम एल पेज। तो जो एच आर टैग होता है बच्चों एच टी एम एल में, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रूल होता है, एक लाइन होता है। रूल माने लाइन, जैसे पेन देखिए अगर इस टाइप से रखा हुआ है तो एक लाइन खींचने के काम आ जाएगा, तो होता है। और एक थेमेटिक ब्रेक दे देता है, पेज को ब्रेक करता है, मैंने दो टुकड़ा में बांटता है, टू डिवाइड आर सेपरेट डॉक्यूमेंट सेक्शंस, जिससे जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है, जो डॉक्यूमेंट हम पेज पे लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो डिवाइड बढ़ जाता है या अलग अलग सेपरेट हो जाता है। द एच आर टैग इज एन एम्प्टी टैग। एच आर टैग एक एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग क्या होता है बच्चों, हम लोग समझते हैं, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी इन टैग, जिसमें इन टैग का जरूरत नहीं होता, एक ही तरफ से ओपन होता है, और चूंकि इसमें कुछ रहता ही नहीं है इसलिए इन टैग का इसका जरूरत नहीं होता। यूज टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल। और ये जो है ना, हॉरिजॉन्टल रूल को स्पेसिफाई अलाइन करने के लिए यूज होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि एच आर टैग है ना। अगर हम लोग, मैं यहाँ पे आंसर लिख दूँ ब्लैंक में, तो ये हो जाएगा एच आर टैग है ना। एच आर टैग जो होगा ये इसका आंसर होगा। तो एक बार चलिए इसको फिर से पढ़ के समझ लेते हैं कि द एच आर टैग इन एच टी एम एल स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल आर अथमेटिक ब्रेक इन एन एच टी एम एल पेज टू डिवाइड आर सेपरेट डॉक्यूमेंट सेक्शंस। द एच आर टैग इज एन एम्प्टी टैग एंड इट डज नॉट रिक्वायर एंड इन टैग यूज टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल। तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और चलिए मिलते हैं फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।